दिखाते हैं, ये पहला मूर्ति है। तो उम्मीद करते कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और वो इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो चुकी है। आज हम लोग जा रहे हैं दुर्गा पूजा घूमने के लिए। मुसलमान हिंदू यहाँ पे कोलकाता में सब लोग एक दूसरे का फेस्टिवल अच्छे से मनाता है। तो चलिए यहाँ से निकले। पहले उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत सारा तकलीफ भी होगी, बाल से सेट नहीं हो रहा है, मगर उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि ये भी मैंने शर्ट उसी दिन लिया था, तीन शर्ट लिया था। ये एक वो वाला था और एक है घर में ब्लैक एंड वाइट, ये ब्लैक है ये वाइट है। तो चलिए अब यहाँ से फटाक से निकले, पहले आप लोग को पूरा आज पूजा घुमाएंगे। चलिए निकले। और सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग को, आप लोग के दिल ज़िंदगी में खुशहाली आए, मेरी ये दुआ है। और आप भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और अब स्टार्ट यहाँ से मेन चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे दिन भर आदमी सोएगा, रात भर मौज करेगा, मौज मतलब घूमेगा फिरेगा। तो चलिए आप लोग को भी दिखाएं कोलकाता में क्या सब होता है, क्योंकि कोलकाता से बड़ा और कहीं नहीं होता। 12 तारीख है और आज पहला पूजा का स्टार्ट है, सप्तमी है। तो आप लोग इन्जॉय करो, वीडियो को लास्ट तक देखो। और थोड़ा सा मेरे हिंदू भाइयों से एक निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करके जाए, बिना लाइक करें मत जाए। हो चुके आप लोग देखिए पीछे सजावट। अब चलिए आप लोग पूरा व्यू को इन्जॉय करिए और देखिए मज़ा लीजिए। मेन रोड के पास से खड़ा होकर के यहाँ से दिखा रहे हैं आप लोग को, शायद सही से क्लियर नहीं आ रहा होगा पूरा। देखिए यहाँ पे, और ये पूरा देखिए, अगर मैं लाइट हल्का कम कर दूँ तो ऐसा कुछ नज़ारा है। अब चलिए आपको एक एक चीज़ अंदर का दिखाएं, और बाकी फिर उसके बाद हम लोग मेन रोड के जाएंगे उस साइड में मोहम्मद अली पार्क की तरफ, जहां आप लोग को दिख रहा होगा उसके अंदर पंडाल बहुत ज़बरदस्त बनाया। पूरा ध्यान रख रहे हैं कि भीड़ भाड़ में कभी जा रहे हैं तो मास्क लगा के रख रहे हैं दोनों जन। अब आप लोग आगे जाइए, देखिए इसके लिए हॉस्पिटल बनाया, दूसरे तरफ टेम्पल बनाया, और अंदर जाना अलाउ नहीं कर रहा है अभी किसी को। और यहाँ देख लिए मुसलमान हिंदू सब एक साथ है, आप लोग जैसे देख रहे हैं। ये अंदर जाना अलाउ नहीं कर रहा है कि ड्यू टू कोविड रीजंस। तो चलिए अब आप लोग को आगे का इसका माहौल दिखाते हैं। और बहुत कम भीड़ कर रहा है अभी, जितना लेट हो रात होगा उतना ज़्यादा भीड़ बढ़ेगा। ये दिखाते हैं, ये पहला मूर्ति है। पहला मूर्ति तो और कितना बड़ा था, ऐसा बहुत ह्यूज, ये बहुत बिगेस्ट सेलिब्रेटर फेस्टिवल है, सॉरी, ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है हिंदू लोग का। और आप लोग देखें जैसे हिंदू और मुस्लिम सब साथ में ही कर रहे हैं। तो चलिए और आगे आप लोग को माहौल दिखाते, इसी के सामने क्या होता है पूरा यहाँ पर लगा के चलता है। और ये हमारे कुछ ऑफिसर्स के कुछ प्रॉब्लम ना हो और कोविड रीजंस आदमी फॉलो करे, इसलिए पुलिस वाला भी बैठा हुआ है। में जैसे ये लोग लगाए हुए हैं वैसे यहाँ पे पूरा मार्केट लगता है, मेला ही एक तरह से आप लोग समझ लो। पूरा डेकोरेट किया हुआ जैसे आप लोग देख रहे हो पूरा, और खाने पीने का बहुत सारा आइटम है, और ऐसा करके हर जगह बनाया हुआ है। हो गया, वरना बहुत सारा गेम्स भी था यहाँ पे खेलने के लिए। और ये बच्चे लोग का झूला आप लोग को देख के तो याद आ ही रहा होगा कि क्या है कि बचपन में सब इसमें तो झूला ही होगा। कौन कौन झूला कमेंट करके बता दीजिएगा। और ये पूरी मार्केट है कुछ ऐसी, चश्मा वश्मा खिलौना बच्चे लोग का सब। इस बार कुछ ज़्यादा नहीं है, मगर है जितना भी, इन्जॉय करिए मज़ा करिए। बस इतना ही मार्केट है यहाँ पे, और फिर अब दूसरी जगह चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। और आप लोग यहाँ पे बुर्ज खलीफा भी बनाया है, लंदन भी बनाया है, हर चीज़। लंदन का जो घंटा घर है, क्लॉक टावर जिसको बोलते हैं, वो बनाते हैं। इतना भीड़ रहता था और इतना यहाँ पे हर चीज़ रहता था ना, जिसका कोई अहमियत ही नहीं है। इतना खेलने का सामान अमान, जीतने का कंपटीशन बहुत सारा। इस बार तो बहुत कम है, पिछले साल भी बहुत कम था, इस साल भी बहुत कम। अब चलिए आप लोग को दूसरा मूर्ति के पास लेके चलते हैं। लोग आ गए रोड के उस पार, मूर्ति बनाया है, पंडाल बनाया है। तो चलिए अब उस पार चलते हैं, आप लोग को दिखा। और रास्ता देखिए कितना सजावट की है, कितना मज़ेदार है। तो चलिए अब क्रॉस करते हैं, आप लोग को वहीं पर दिखाएं।
धुआं धुआं छल्ला बना रहे ये मेडिकल के लिए बनाया है, और ये कुछ पार्टी पॉलिटिक्स फ्री में वाटर दे रहे हैं। ये हाथ से बनाया आर्टिफिशियल है, टैलेंट है ये, टैलेंट। ये फेफड़ा बनाया है फेफड़ा बना हुआ है, ये आदमी का आधा गायब है, मजदूर है ये रिक्शा वाला है, चाय वाला नहीं है कि नहीं, मजदूर है, हर चीज़ है, रिक्शा वाला है। ये ऑक्सीजन कोरोना के लिए है, और ये स्कूल है सबसे जो अभी बंद पड़ा हुआ है, ताला इधर भी मारा हुआ है। अपना एरिया का दिखा रहे हैं, ज़्यादा दूर जा नहीं रहे हैं, और ज़्यादा और जो दूसरा पंडाल है वो बाद में दिखाया जाएगा, जैसे मेरे एरिया का है बस, और कहीं का नहीं। अभी आगे देखिए, अभी तो बाकी है, और मज़ा आ रहा है कि नहीं आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के स्टेट में ऐसा होता है कि नहीं। और यहाँ कितना सारी दुर्गा माँ है, ये देखिए 1 2 3 4 5, और यहाँ पे पूरा हमेशा भीड़ रहता था, अभी तो कम हो गया भीड़, यहाँ पे बहुत भयंकर भीड़ रहता था, बहुत भयंकर। अब तो पूरा फाका है, कुछ है नहीं लगा हुआ ज्यादा, समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग कहाँ आ गए। हाँ, ऑल स्टेट लग ही नहीं रहा है, हम लोग नहीं यहाँ पे है ही नहीं। इसको तो आप लोग पता ही होगा, ये टैटू है, मतलब परमानेंट भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा, यहाँ भी टैटू का है, टेम्प्रेरी और परमानेंट दोनों टैटू है, टैटू का तो बहुत सारा है। और आइसक्रीम जो पंडाल है वो मोहम्मद अली पार्क बहुत फेमस है, जो लोकल है उनको पता है, जिनको नहीं पता कोलकाता में है, और कॉलेज स्ट्रीट एमजी रोड के पास से ये पूरा पंडाल इंडाल चालू हो जाता है। अभी जहां हम लोग चल रहे हैं यहां पे समझ लीजिए चलने का जगह ही नहीं रहता था, और इतना स्टॉल लगता था खाने पीने का, झूला वूला का, खेलने कूदने का, अभी कुछ नहीं है, कोरोना की वजह से बंद हो गया है। पिछले साल थोड़ा बहुत था, मगर इस बार तो कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब आप लोग को आगे दिखाते हैं, बस मेरे हिंदू भाइयों से ही है कि आप लोग सेफ रहो, अच्छे से रहो, मगर यहाँ पे इतनी गंदगी जो लोग फेंक के गए ना, थोड़ा कचरा अपने उसको थोड़ा करेक्ट रखो यार, बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा कचरा फैल गया है, रोड पे ही पड़ा हुआ है। घूमने आया तो इस साफ़ सफाई का थोड़ा सा ध्यान रखें, कितना गंदगी ना फैलाएं, पूरा ध्यान रखा गया। यहाँ पे बांस वास लगा करके इधर ये मेन रोड, और इधर ये आदमी चलने वाला। तो चलिए अब यहाँ से रिटर्न हुए, क्योंकि अंदर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, सेफ्टी का फुल ध्यान रखा गया। तो आप लोग को बुर्ज खलीफा दिखाने के लिए, जो ह्यूज मैसिव बनाया है कोलकाता में, वो भी पंडाल है, मगर आप लोग देखोगे तो आप लोग का दिल खुश हो जाएगा, अगर नहीं भी देखोगे तो उससे पहले दिख गया होगा। तो चलिए यहाँ से थोड़ा सा दूर है आधा घंटा, तो आप लोग को सीधा बुर्ज खलीफा में, आप लोग का बहुत भीड़ रहेगा वहाँ पे, मगर आप लोग को दिखाते हैं, चलिए यहाँ सब सीधा बुर्ज खलीफा में आप लोग से मिलते हैं।
आ गए बुर्ज खलीफा से, और इतना खूबसूरत है ना कि फ़ोन में कैप्चर नहीं हो पा रहा, मैं आप लोग को मैं टच कर करके मैं दिखा रहा हूँ, कैप्चर नहीं हो पा रहा, मैं बहुत खूबसूरत लग रहा, देख रहे हैं आप लोग, आओ तो आप लोग घूमना ज़रूर, मज़ा आ जाएगा। हरियाली ही हरियाली है हर तरफ। उम्मीद करते हैं दुर्गा पूजा आप लोग के ज़िंदगी में खुशहाली लाए। लगा ये वीडियो बनाने में, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और बिना वीडियो को लाइक किए हुए मत जाइएगा। इतना आप लोग के लिए मेहनत किए ना, आप लोग अगर सामने होते तो आप लोग बोलते, क्योंकि इतना भीड़ में जाना आप लोग को पता है, यहाँ पे जो लोकल है उनको पता है कि भीड़ में जाके बाहर निकलना, फिर बुर्ज खलीफा जाकर इतना भीड़ से ठोकर ऊपर खा करके वापस आना, आप लोग के लिए सब सहेंगे, बस आप एक लाइक का बटन दबा देना। हमें खुशी हुआ ना, इतना खुशी हुआ कि जिसका कोई मैं ये नहीं बता सकता हूँ, वो इसलिए कि हिंदू मुस्लिम यहाँ पे ऐसी हर साल ईद बकरीद और दुर्गा पूजा दिवाली ये सब साथ में मनाते रहें, तो हम लोग का कभी झगड़ा नहीं होगा, जैसे बाहर स्टेट में होता अभी अगर ऐसा तो झमेला हो ही जाता, मगर कोलकाता एक ऐसा सिटी कि जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब साथ में मिलकर ही करते हैं सब चीज़, ये चीज़ बहुत मेरा कलकत्ता खासियत है, और मैं कलकत्ता पे समझ लीजिए कि ऐसा बना दिया है बुर्ज खलीफा के साला कोई बना ही नहीं पाया, और ओनली वन इन द वर्ल्ड तो नहीं बोले हैं, क्योंकि ऐसा तो कोई बनाया नहीं, सिर्फ दुबई वाला ओरिजिनल बनाया या डुप्लीकेट बनाया, मगर पंडाल ऐसा कहीं नहीं बना, ओनली वन इन द वर्ल्ड है पंडाल में। ऐसा भाईचारा हमेशा के हमेशा बना रहे हिंदू मुस्लिम से के साई सारे में भाई भाई भाईचारा का प्यार हमेशा बना रहे। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबाना ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और वीडियो को यहीं पे कर देते हैं हमेशा कल नए मज़ेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और आज तक।